काजी नजरुल इस्लाम धार्मिक कट्टरता के सख्त विरोधी थे। वे कवि, संगीतज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने बांग्ला साहित्य को नई पहचान दिलाई। नजरुल इस्लाम का जन्म पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुरुलिया गांव के एक गरीब मुसलमान परिवार में हुआ था। नजरुल इस्लाम के पिता काजी फकीर अहमद एक मस्जिद के इमाम थे। नजरुल इस्लाम बचपन में अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए परिवार के लोग उन्हें दुखू मियां कहने लगे। उन्होंने एक हिंदू लड़की प्रमिला से शादी की। नजरुल ने चाचा फजले करीम की संगीत मंडली ज्वाइन की। ये मंडली पूरे बंगाल में घूमती और शो करती। नजरुल ने मंडली के लिए गाने लिखे। इस दौरान बांग्ला भाषा को लिखना सीखा और संस्कृत भी सीखी, और उसके बाद कभी बांग्ला तो कभी संस्कृत में पुराण पढ़ने लगे। इसका असर उनके लिखे पर नजर आने लगा। उन्होंने कई प्ले लिखे जो हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित थे, मसलन शकुनी का वध, युधिष्ठिर का गीत, दाता कर्ण इत्यादि। सन 1922 में काजी की एक कविता ने उन्हें मशहूर कर दिया, इतना कि उनका नाम भी बदल गया। कविता का शीर्षक था विद्रोही, और ये बिजली नाम की मैगजीन में छपी। इसमें बागी तेवर थे। जल्द ही कविता अंग्रेजी राज का विरोध कर रहे क्रांतिकारियों का प्रेरक गीत बन गई। इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हो गया। नतीजतन वो अंग्रेजों को खटकने लगे और जनता के बीच विद्रोही कवि के नाम से मशहूर हो गए। कुछ ही दिनों बाद नजरुल ने धूमकेतु नाम से एक मैगजीन निकालनी शुरू की। मैगजीन के सितंबर 1922 के अंक में उन्होंने कविता छापी जिसका शीर्षक था आनंद का आगमन। इसके भी तेवर बरतानिया हुकूमत को बागी लगे। पुलिस ने मैगजीन के दफ्तर पर रेड की। नजरुल गिरफ्तार हो गए। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और माफी मांगने को कहा गया। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें 1.5 साल की सजा सुनाई गई। जेल में भी वो साहित्य ही रचते रहे। क्रांति के प्रति उनका ये समर्पण गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को छू गया। उन्होंने अपना नया नाटक बसंता नजरुल को समर्पित किया। नजरुल ने भी जेल से एक कविता लिख गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। नजरुल ने न सिर्फ इस्लामिक मान्यताओं को मूल में रखकर रचनाएं की, बल्कि भजन, कीर्तन और श्यामा संगीत भी रचा। दुर्गा माँ की भक्ति में गाया जाने वाला श्यामा संगीत समृद्ध करने में काजी नजरुल इस्लाम का बड़ा हाथ है। कृष्ण पर लिखे उनके भजन भी बहुत मशहूर हुए। आजादी के बाद के उनके दिन बड़ी तकलीफों में बीते। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। सन 1952 तक आते आते तो ऐसे हालात हो गए कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उनका एक फैन क्लब हुआ करता था उस वक्त, जिसने उनके इलाज का बीड़ा उठाया। अगले 20 साल उन्होंने अपनी बीमारियों से जूझते हुए काटे, और सन 1976 में उनका देहांत हो गया। उन्हें ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही दफनाया गया। कलमकारों का सफर कभी खत्म नहीं होता। उनका लिखा उनके शरीर के मिट्टी होने के बाद भी बना रहता है, और उसी में रचे बसे वो भी हमेशा हमेशा के लिए बने रहते हैं। पुस्तकशाला का पूरा परिवार उनकी जयंती पर उन्हें नमन करता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।